नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। ऐसे में महाराष्ट्र संकट पर सुनवाई सोमवार तक टली, सिब्बल की अपील, मामला संविधान पीठ न भेजें। ईसी का तर्क, पार्टी पर निर्णय लेना जरूरी, शिवसेना पर हक को लेकर उठे संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है। अदालत ने कहा सोमवार को अदालत फैसला सुनाएगी कि क्या इस मामले को 5 जजों के बेंच को सौंपना चाहिए या नहीं। CGI ने चुनाव आयोग के वकील से कहा दोनों पक्षों को चुनाव आयोग में हलफनामा देने की तारीख 8 अगस्त है, अगर कोई पक्ष समय की मांग करता है तो आयोग उस पर विचार करे। इससे पहले गुरुवार को हुई सुनवाई में सबसे पहले शिवसेना के 16 विधायकों की बर्खास्तगी का मामला सुना गया। शिंदे कैंप के वकील हरीश सालवे ने सबसे पहले अपना पक्ष रखा। सालवे ने स्पीकर के अधिकार और प्रक्रिया की पूरी जानकारी देते हुए कहा जब तक विधायक अपने पद पर है तब तक वह सदन की गतिविधि में हिस्सा लेने का अधिकारी है, वह पार्टी के खिलाफ वोट करे तो वोट वैध होगा। इस पर CGI रमना ने सवाल किया, क्या एक बार चुने जाने के बाद विधायक पर पार्टी का नियंत्रण नहीं होता, वह सिर्फ पार्टी के विधायक दल के अनुशासन के प्रति जवाबदेह होता है। इधर उधव गुट के वकील सिम्मल ने CGI से अपील की मामला संविधान पीठ को न भेजें। मैं और सिंघवी 2 घंटे में अपनी दलील खत्म कर सकते हैं, वह चुनाव आयोग में असली पार्टी होने का दावा कैसे कर सकते हैं। इस पर CGI ने कहा ऐसा करने से किसी को नहीं रोका जा सकता।